Thank you.
organizers. It's not easy to pull off a show like this. नीति ताजमहल में आपका स्वागत सामने दिखे बोली है। थैंक यू सो मच। मोहब्बत के इस चैनल में आप मंच पर आने वाली हैं, क्या सुनाने वाली हैं? आगरा आना और पूरे देश में प्रसिद्ध है ताज महोत्सव, उसमें परफॉर्म करना एक बहुत ही गर्व की बात है। बहुत प्रेस्टिजियस है ताज महोत्सव और सब उसके वेट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं और उसके लिए इतनी एक्साइटमेंट होती है ऑडियंस को। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ पर हूँ और ताज महोत्सव में परफॉर्म करने वाली हूँ। मेरी पूरी टीम यहाँ है मुंबई से और हम बहुत एक्साइटेड हैं परफॉर्म करने के लिए। आज बहुत ही ख़ास दिन है बिकॉज आज आई थिंक कुछ ऐतिहासिक हुआ है आगरा में। ताजमहल तो पूरी दुनिया दीवानी है और देखने आती है, बट आज डोनाल्ड ट्रंप और उनकी उनका परिवार पूरा अमेरिका से ऑल द वे यू नो सिर्फ ताजमहल को देखने आए। तो आज ऑलरेडी आगरा में जो एक्साइटमेंट है और पूरा देश यू नो आगरा और ताजमहल के लिए इतना प्राउड फील कर रहा है कि एक हमारी दुनिया के अजूबे को देखने आए और पूरी नज़र देश की और पूरे वर्ल्ड की आज ताजमहल और इंडिया पर है एंड आई फील सो प्राउड। आज क्या खास रहेगा? मोहब्बत की नगरी है, मोहब्बत की नगरी है। यहाँ हर गाना इश्क के नाम मैं डेडिकेट करूँगी हर उस लवर के लिए जो प्यार में विश्वास रखते हैं। और ताजमहल तो प्रतीक है प्यार का और ऐसी मोहब्बत का जो सदियों तक भुलाए ना भूले। ताज का दीदार किया है आपने? जी, मैंने बहुत बार किया है। मैं दिल्ली में रहती थी तो मैं, मेरी बहनें, मेरे पेरेंट्स, हम काफ़ी बार, मतलब हर दो महीने में एक बार आगरा, वृंदावन और ऐसी जस्ट वीकेंड पर आ जाया करते थे। तो बहुत ख़ास है, मेरी इतनी सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं और इतनी ख़ास यादें जुड़ी हैं क्योंकि जब आप ताजमहल आते हैं तो आप नए नए तरीके की फ़ोटो लेते हैं ना, वो चोटी पकड़ के और जंप करते हुए, वो सारी फ़ोटोज़ हैं हम सब की और बहुत बहुत मज़ेदार यादें हैं। सो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सालों बाद आज आना हुआ है आगरा और ताजमहल तो नहीं जा पाई पर आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की वजह से न्यूज़ में बहुत देर दिखाया गया तो मैं देख रही थी। आज के दौर में तमाम रियलिटी शो चल रहे हैं, वो लोगों को मंच प्रदान कर रहे हैं, तो आज ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है या आपने जब शुरू किया अभिनय के क्षेत्र में और आप सिंगिंग में भी आई तो क्या मानती हैं? जी, मैं मानती हूँ कि रियलिटी शो का जो दौर है, मैं, नीति मोहन, मेरी बहन शक्ति मोहन, मुक्ति मोहन, हम तीनों बहनें तो रियलिटी शो से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर हमें वो मंच और वो मौका और वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो हम तो शायद दिल्ली में ही कहीं अपने बलबूते पे जितना हो सकता था उतना कर रहे होते। बट थैंक्स टू रियलिटी शोज़ कि हमें सही लोगों ने देखा, सही लोगों ने परखा और हमें, हमारा मार्गदर्शन किया और हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। सो मुझे लगता है कि हर वो सिंगर जो रियलिटी शो पर जाता है उनके लिए वो इतना बड़ा मौका होता है आगे बढ़ने का। और मैं चाहूँगी कि और जितने भी अब बडिंग सिंगर्स हैं जो चाहते हैं कि अपना करियर बनाएं म्यूज़िक में,